हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुबह के 5:30 हो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ और अब दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। और इतना सुहाना मौसम सुबह में लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं छत पे आधे घंटे तो मैं बैठी ही थी छत पे, क्योंकि इस समय ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं पर्दा कितनी तेज़ी से हिल रहा है। मैं छत पे ही थी, नीचे आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पर काम भी करना है। संडे का काम तो जानते ही आप लोग कि हाउस वाइफ के लिए एक्स्ट्रा काम होता है। मैंने पूरे घर की लाइट ऑन कर दी है और बच्चों को भी मैंने जगा दिया है और वो अब चले गए हैं ऊपर। थोड़ा टहलेंगे, ब्रश करेंगे, फिर वो नहा के ही नीचे आते हैं। और मैं मॉर्निंग रूटीन के काम में लग गई हूँ। मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। मेरा ये रूटीन वर्क है कि जब भी मैं वैसे तो 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो 5:30-6 तक तो उठना ही उठना है। और पहले उठ के मैं पहले बच्चों को ही जगाती हूँ और वो ऊपर टहलने चले जाते हैं। वो थोड़ी देर टहलते हैं, उसके बाद वो नीचे, वो नहा के, अब ब्रश मैंने ऊपर रख दिया, वो वहीं से नहा कर ही डायरेक्ट नीचे आते हैं। तब तक मैं हाउस क्लीनिंग का काम ख़त्म करके और मैं भी नहाने चली जाती हूँ। गर्मी के मौसम में सुबह सुबह इतना अच्छा बाहर में लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि घर के अंदर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। ये होता है कि बाहर ही बैठे रहें, ठंडी ठंडी हवा चलती है, चिड़िया चहचहाने का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी टाइम तक छत पे ही बैठी थी। सुबह का जो हवा होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें सुबह ज़रूर उठना चाहिए। और आधे घंटे हम कहीं टहल लाएँ या योगा कर लें, हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और मैंने अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है। बाहर में भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बादल लगे हुए थे, जैसे लग रहा था कि आज पानी बरसेगा। और मैंने झाड़ू कंप्लीट कर लिया है और अब मैं दवा खाने आ गई हूँ। मैं जब झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में तो मैं अपनी दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि वो खाली पेट मुझे खानी होती है। और फिर उसके बाद मैं अपने पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। मैंने मेरी दवाई ले ली है और अब मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, पोछा मैं अभी बैठ कर ही लगाती हूँ, मैंने अभी मॉप नहीं लिया है। और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है अगर इस तरीके से हम पोछा लगाते हैं तो। अगर हम एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो हमारा ये जो डेली का रूटीन वर्क है यही हमारे लिए एक्सरसाइज हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं मोप नहीं लूँगी, मैं मोप आगे चल के ले लूँगी, पर अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। कभी कभी जब हमारे पीठ में दर्द होता है तो मोप का बहुत ज़रूरत पड़ता है, इसलिए मैं उसे ले कर रख लूँगी कि जब भी मन करेगा मैं उससे पोछा लगा दिया करूँगी। वरना ये तो है ही हमारा देसी स्टाइल, बैठ के पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर मोप रहने से ये हो जाता है कि बेड के नीचे, सोफे के नीचे और अलमारी के पीछे वगैरह अच्छी तरीके से पोछा लग जाता है। पर मुझे पता है कि जब भी मैं मोप ले लूँगी तो मैं इस तरीके से पोछा कभी नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि फिर आदत हो जाएगी कि हम इस खड़े होकर ही पूरे घर में पोछा लगा लें, वो ईजी नहीं पड़ता है। और बेड सोफ़ा के नीचे अच्छी तरीके से सफाई हो जाती है, अच्छी तरीके से पोछा वहाँ भी लग जाता है। मैंने पोछा लगा लिया है और ये सारे कारपेट और पावदान मैं अब लगा देती हूँ जो जहाँ से मैंने उठाए थे सफाई करते वक्त। और फिर मैं सारे जितने भी कपड़े हैं, बेडशीट है और बच्चों के कपड़े हैं, इनके ड्रेस हैं, आज संडे है तो सभी को मैं मशीन में लगा दूँगी। मैं वीक में एक बार मशीन में ज़रूर कपड़े लगाती हूँ, क्योंकि चद्दर वगैरह हाथ से उतनी अच्छी तरीके से वाश नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े इसमें हर संडे टू संडे में लगा देती हूँ, बीच में भी कभी कभी लगा देती हूँ जब ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। डेली के कपड़े मैं हैंड से ही वाश कर लेती हूँ। मशीन मैं सेट कर देती हूँ, उसका टेम्परेचर वगैरह सब मैं सेट करके और मशीन को मैं ऑन करके छोड़ दूँगी, ये अब कपड़े वाश करता रहेगा, बाकी मैं दूसरे काम कर लूँगी। और अभी 6:30 ही हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। मैं एक बार देख रही थी कि मशीन ऑन हो गया है, वो पानी ले रहा है कि नहीं, जो डिटर्जेंट है वो चला गया है अंदर या अभी वो इस बॉक्स में ही है, पर वो चला गया था। और अब मैं मशीन को छोड़ देती हूँ। बच्चे जो हैं वो नहा चुके हैं और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ।
और मैं अभी तैयार हो गई हूँ। अब मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है। घर का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। हमें अपने भगवान के सामने माथा जरूर टेकना चाहिए, उनसे प्रेयर करना चाहिए कि इस कठिन वक्त में आप ही हो सहारा। मैंने पूजा कर लिया है और कपड़े भी वास हो गए हैं। मैं सारे कपड़ों को निकाल कर उन्हें सुखा दूंगी, फैला दूंगी छत पर ले जा करके। ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं इससे हम हाउसवाइफ का वर्क जो है वो वर्कलोड काफ़ी हद तक कम हो गया है। और अभी मैं कपड़े वास करती तो मुझे और टाइम लगता, आधा एक घंटा एक्स्ट्रा मेरा जाता, पर अभी मेरा एक घंटा जो है वो मेरा सेफ हो गया है। और मैं छत पे आ गई हूँ, सारे कपड़ों को मैं सुखा लूँगी। वैसे तो ये आधे घंटे में सूख जाएंगे क्योंकि पानी इनमें बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल ये सूखे सूखे कपड़े निकलते हैं। बस लगता है कि हाँ हल्का सा बस धूप लग जाएगा तो ये सूख जाएंगे। तो मैं सारे कपड़ों को फैला देती हूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी नाश्ता और चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है तो अभी बच्चों को कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही दूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं फ्राई तला भुना कोई चीज़ नहीं बनाऊंगी अभी क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं पर लग रहा है कि जैसे दोपहर के 12 1 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन तो बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल किचन में आने का मन ही नहीं हो रहा है। पर अभी तो भाई बच्चे हैं, उन्हें नाश्ता देना ही है तो मैं उनके लिए ब्रेड सैंडविच बना लेती हूँ कि वो हल्का भी है और डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा और वो ऑयली भी नहीं है। मैं ब्रेड को बटर से पहले सेक लेती हूँ तावे पे रख के। तावा मैंने गरम कर लिया है, अब मैं ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के इसे रख दूँगी ताकि ये जो बिल्कुल ब्रेड है वो ब्राउन कलर का हो जाए। उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें लगाऊँगी जब ये ब्रेड सेक जाएगी तब। और बच्चों को मेरी ये बहुत पसंद है, अगर मैं उन्हें दिन भर बोल दूं कि ये तुम्हें खाना है तो वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे और बिल्कुल खाना वो मांगेंगे ही नहीं। और अभी मैंने ब्रेड जो सेका था उस पर मैं सॉस लगा दूंगी, टोमेटो सॉस। चिल्ली सॉस मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने जो आलू बड़ी बनाई है इसमें मैंने मिर्ची काट के डाली है तो इसकी वजह से मैं इसमें मिर्ची अलग से ऐड नहीं करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, सैंडविच तैयार हो गया है। बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये और इजी तरीके से बनती है, बच्चे भी अच्छी तरीके से खा लेते हैं। बस सॉस लगाना है, प्याज रखना है और जो आलू की बड़ियां हैं उन्हें रख के दूसरा ब्रेड रख देना है। और बच्चे भी काफ़ी मन से खाते हैं और वे बाहर बैठ के वेट भी कर रहे थे कि मम्मी आप जल्दी लेके आइए खाना होता तो। एक बार वो नाटक भी करते पर इसके लिए वो नाटक बिल्कुल नहीं करते हैं। और अभी मैं भी बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लूँगी, चाय और ये ब्रेड सैंडविच। और हम कुछ बातें भी कर रहे थे कि अभी नाश्ता कर लो फिर मैं तुम लोग को पढ़ा लेती हूँ। मैं बच्चों को इस समय तो जब से स्कूल बंद है तो मैं बच्चों को मैं ही पढ़ा लेती हूँ। और सुबह मैं 9 या 8 जब भी मैं खाली हो जाती हूँ नाश्ता करा के बच्चों को तो मैं उन्हें पढ़ाने बैठ जाती हूँ। और फिर जब लंच का टाइम होता है तो मैं किचन में चली जाती हूँ और इन्हें छोड़ देती हूँ कि आप बच्चों को देखिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई करते हैं इसलिए मैं इन दोनों को साथ में नहीं छोड़ती हूँ। कोई ना कोई इनके पास ज़रूर बैठा रहता है, मैं खाली रहती हूँ तो मैं रहती हूँ वरना हस्बैंड बैठ जाते हैं। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। मैंने राजमा को पहले से ही, राजमा और काला जो उड़द होता है खड़ा उड़द, मैंने उसे उबाल के रख दिया था। 3 सीटी मैंने लगा के उसे पहले ही रख दिया था। और अभी मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें मैंने 1/2 चम्मच के लगभग जीरा डाला है और 2 बड़े प्याज मैंने कट कर लिए हैं छोटे छोटे साइज़ में। अब इन्हें मैं एक साथ भून लूँगी, गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इन्हें भूनूंगी। संडे को मैं कुछ अलग ही बनाती हूँ, जैसे कभी मैंने छोले बना लिए या कभी मैंने राजमा बना लिया या मसाला चना बना लिया, कुछ अलग ही। दाल चावल मैं नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं कुछ अलग ही बनाती हूँ। और प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें मैंने लहसुन और अदरक कुटकुटा के रखा था उसे मैं डालकर भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डालूँगी, मैंने 3 बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई थी। और अब इसमें मैं हल्दी पाउडर, जितना नमक जाएगा उतना नमक स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर डाल के अब इन्हें मैं ढक कर भूनूँगी मसालों को, जब तक मसाले अच्छी तरीके से तेल ना छोड़ दें। और दूसरी तरफ मैं चावल भी धुल लेती हूँ,
कि लंच का टाइम हो गया था, चावल भी बन जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो गरम गरम सबको मैं निकाल दूंगी। मसाले काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गए थे, आपने देखा था कि मसालों में से तेल जो है वो बाहर आ गया था। अब मसाले भुन चुके हैं, मैं इसमें अब जो राजमा मैंने उबाला था उसे मैं डाल दूंगी, और ये देसी घी, गरम मसाला, कस्तूरी जो मेथी होती है वो मैंने डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब पकने में, 5 से 10 मिनट, क्योंकि जो राजमा है वो तो पहले से ही बॉयल राजमा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, दाल मखनी बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसमें मैं लास्ट में मक्खन का तड़का लगा दूंगी। मक्खन पहले मैंने गर्म कर लिया है, फिर मैंने लाल मिर्च उसमें डाली है, जो लाल मिर्च कलर वाली होती है, तीखी नहीं होती है, कश्मीरी लाल मिर्च। उससे तड़का देने के बाद मैंने लास्ट में ऊपर से ये घर की फ्रेश क्रीम है, मलाई है, मलाई को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और मैं इसमें अब डाल दूंगी। और ये दाल मखनी बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बनाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि मैं वर्क भी कर रही थी, घर का जो काम होता है वो भी मैं कर रही थी, और साथ साथ में मैं ब्लॉग भी शूट कर रही थी। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत टाइम लगा था ब्लॉग दोनों काम एक साथ करने में। जब सभी ने लंच कर लिया, मैंने सोचा कि मैं एडिट कर दूंगी वीडियो को अभी, पर गेस्ट आ गए घर पे, उनकी वजह से मैं एडिट भी नहीं कर पाई, इसलिए ये ब्लॉग इतनी लेट से जा रही है। और फ्रेंड्स, लंच तैयार हो गया है, अब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। जो मैंने दूध को बॉयल किया था वो सब मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, बॉयल था, जब वो ठंडा हो गया तब मैं उसे फ्रिज में रख के किचन क्लीन करके मैं रूम में आ गई हूँ, बेडरूम में अपने। और मैंने बेडशीट तो निकाल के धुलने को डाल दिया था, पर मैं बेडशीट लगाई नहीं थी, और वही बेडशीट मैं अभी सेट कर रही हूँ। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, बेडशीट सेट करने के बाद मैं बच्चों को लंच दे दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जब आएंगे तो मैं उनके साथ करूंगी, और वो अभी बाहर मार्केट गए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो उन्हें लेट भी हो सकता है, आधा घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं। और लंच का टाइम हो गया है, तो मैंने बच्चों को लंच दे दिया कि अभी तुम दोनों खा लो, फिर पापा आएंगे तो मैं उनके साथ लंच कर लूँगी। मैंने बच्चों का लंच जैसे ही लगाया, वैसे हस्बैंड भी आ गए, तो मैंने उनसे बोला कि जल्दी से आप भी आ जाइए, फिर हम दोनों भी लंच कर लेते हैं। रुपेश और छवि, जब भी वो कुछ खाते हैं तो टीवी ज़रूर वो लगा के देखते हैं, और वो खाते कम हैं पर टीवी ज़्यादा देखते हैं, तो मैं उन्हें यही बोल रही थी कि पहले तुम खाना खाओ फिर टीवी देखो, और रुपेश हाँ में सिर हिला रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का लंच है दाल मखनी, प्याज का सलाद, और ये वेज बिरयानी, और ये रोटी हो गई सादी। और आइए आप सब भी खा लीजिए, और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैंने सादा चावल भी बनाया था वो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं ये चावल वो नहीं खाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है ये चावल, आप हमारे लिए सादा बना दीजिए। तो मैंने अपने और हस्बैंड के लिए ये बिरयानी टाइप का बना लिया था मसाला वगैरह डाल के, और बच्चों के लिए मैंने सादा चावल बनाया था। और अब मैं आ जाती हूँ किचन में, सारे बर्तन को वॉश कर लूँगी, क्योंकि बर्तन काफ़ी निकल गए थे, बच्चे हैं तो वो बहुत बर्तन निकालते हैं। और अब मेरा किचन जो है वो क्लीन हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं पुनीता। मैंने जो लंच तक के रूटीन वर्क होते हैं मैंने वो कर लिया है, मैंने अभी बर्तन भी क्लीन कर लिया, और अभी सारे काम हो गए हैं, और अब मैं थोड़ा मतलब रेस्ट करूँगी थोड़ा। फिर शाम हो जाती है 3-4 बजे, फिर वही झाड़ू लगाना होता है, और शाम के नाश्ते की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। यहाँ पे तो बहुत गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माथे पे कितना पसीना हो रहा है, और इसीलिए मैंने गले में कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ रही है, और गर्मी बिल्कुल उमस वाली गर्मी है कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। यहाँ बारिश भी तो बिल्कुल नहीं हो रही है, जून में तो इतनी अच्छी खासी बारिश हुई थी कि हम बिल्कुल हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ था। और ये ब्लॉग संडे का ब्लॉग है, संडे को हम हाउसवाइफ का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आज के दिन एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, बाथरूम की क्लीनिंग हो जाती है, और कुछ और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब काम हमारा कम हो गया है, बल्कि संडे को हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोपहर के इस समय हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, दोपहर से आप बेल सुन रहे हैं, 2 बार बेल बजी है और 2 बज चुके हैं, और अब मैं जाऊंगी बेड पे, और जो मैंने ये वीडियो शूट किया है उसे मैं एडिट करूंगी। बातें बहुत लंबी हो जा रही हैं, और मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ,
और प्लीज़ इस वीडियो को मेरे फुल वॉच किया करिए, मुझे सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करिए प्लीज़ फ्रेंड। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।